वाओ, बाहर का खाना खा रहा है, क्या ही बात है, शाही दावत हो रही है इतने टाइम बाद। हाउ डू यू फील? चाप भी कुछ होता है क्या? हरी चटनी। रोटी में भी यहाँ पर वैरायटी है अपने पास। रोटी में भी वैरायटी है, बटर नान, ओहो लच्छा पराठा, स्नैक्स, चाप अलग अलग तरह की, दाल रोटी। अच्छी लग रहा है, जंगल जाए हूँ, पहली मस्त मील खाने। वाह, पर यहाँ पर देखो बराती बराती वेट कर रही है। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियोन मैन। ओ आई एम सॉरी, मैं व्लॉग करना भूल गया हूं। तो गाइस क्या हाल चाल, दिस इज द फर्स्ट डे जब मैं अपने घर पे उठा हूं और ये हमारी मम्मी, अब बना दो बाल बना लो, ऐसा घर अलग अलग सा लग रहा है मेरे को। ये देखना यार, ये दीवारें बदल दी इन्होंने यार, जब मैं गया था 70 दिन पहले दीवारें कुछ और थी घर की। सब कुछ बदल देंगे इसके आने से पहले। 70 दिन पहले तू गया था तो तू भी तो कुछ और था, अब क्या है, हैंगर, कपड़े टांग रखे हैं मैंने अपने ऊपर, हैंगर लग रहा है। ऐप दिखा दूंगा सबको, पता चलता है ना कि मम्मी कितना अच्छा खाना देती है, जिससे हष्ट पुष्ट रहते हो तुम, हेल्दी। अब देख ये हैंगर। अरे ऐसा ही अपना जिम जुम करते रहे, और पतला होने का समय आ रहा है, फिर से बिग बॉस के घर चला जाऊंगा। अभी 10 दिन मैं तेरे को खिलाऊंगी, फिर तेरे को मोटा ताजा करूंगी। क्या बनाया अपने ब्रेकफास्ट में, जल्दी बताओ जल्दी, तू तो अच्छा बना। अरे मुझे लगा मम्मी बोलेगी छोले भटूरे, रात को पिज्जा वीजा बनाओ, डोमिनोज नहीं घर का पिज्जा, घर का खाना खाओ, हेल्दी शेल्दी। चाय आज भी उतनी ही पीते हो क्या? उससे ज्यादा ही पीते हैं। ज्यादा पीते हो? बिग बॉस चाहते हैं कि डिंपल खाना जल्दी खिलाया जाए। इतना अच्छा गाना ना ये भाई, कल से यही सुन रहा है। तो जब से आया हूँ मैं तो रीलों पे अपनी रील देखी, उस पे गाने पे, तो मेरे को तो वो गाना ही पसंद आ। और ऊपर से फर्स्ट मील कैसा लगा, पहला मील घर का, हाय मजा आया। घर का खाना तो घर का ही खाना होता है डिंपल, माँ माँ ही होती है बेटा। नहा लो भाई साहब, बिग बॉस चाहते हैं आप बाथरूम में जाएं और नहाएं। अरे वो जब भी हम ऐसे बोलते थे ना, नहाने का मन कर रहा है, तो मैं और एलवी जब भी बैठे होते थे, वो कहते नहाना है, मैं उसको बोलता कमर पे साबुन लगाएगा, कमर पे साबुन लगाएगा। तो मस्त था भाई, बिग बॉस के घर से फाइनली निकल के, जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं 102 या 103 किलो पे गया था और अभी 93.5 है, 10 किलो का हो चुका है। और अभी जो बाल बाल छाती के इतने बढ़ गए हैं, वो करूँगा तो 2 किलो तो वो भी कम हो जाएंगे। और बॉजी को थोड़ा और मेंटेन जो जितने कपड़े लेके गया था वो आने नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अब बॉजी को थोड़ा और मेंटेन करेंगे और छोले भटूरे खाएंगे। 20 minutes later. भर्त मिलाप के बाद ये दूसरा भर्त मिलाप है। क्या गया शरीर, क्या गया, अरे पागल है, कहाँ चला गया, बाकी खत्म हो गया। दो जयराम में क्या बोलेगा, अब न्यू ट्रेनर ये हमारे कचरा सेठ, सॉरी गुप्ता सेठ, सेठ तो ये बन गया आंटी, अब पहले नहीं पूछते थे, अब तो पागल हो गए, अब तो बड़े बड़े लोग पूछने लग गए सारे, क्या फुकरा इंसान का, फुकरा इंसान। मैंने इसको भेजा था तंदुरुस्त हो के आई हो बिग बॉस में, अच्छा खाना खुना खा के, लगता है उन्होंने जितना खाता था वो भी निकाल दिया तेरे अंदर का। अरे क्या हाल है तेरे, बहुत मिस किया है यार। रो नहीं रहे तुम, रोगे तू, उसको छोड़ दे, ये देख नहीं। प्यारी चीज मुझे दे, तू प्यारी चीज देख, ये देख कितना बड़ा हो गया, कितना सा था ना जब तू गया था, बहुत मिस करा। और अब्बू ने किसको मिस करा,
लोग यौरिक क्यों है ये बड़ा हो गया बड़ा मामू मामा मेरे मामा लाइट तो इतना क्यूट लग रहा है ना ब्लैक कैट मामू मामू मेरा मेरे को भूल गया ना तू तो मामू चला गया तो बंदा भूल ही जाएगा इतना भारी हो गए ऐसे करके दिखा फाइनली दोनों का मिलन हो गया हाय अब मामू से भूल गया वो भूल गया मामू भूल गया वो कह रहा ये कौन है ये किसके हाथ है भूल गया क्या मामू को अभिषेक तेरे पास कंफर्टेबल होता था आज देख कितना बोर है सब भूल गया इसकी ट्रेनिंग दोबारा से होनी पड़ेगी तभी तो कह रही हूँ ऐसे उठा उसको ये कहाँ जा रहा है खुद ही खेल रहा है यार कितना मिस किया तुझे पैर चलाता है पैर चला के भागता है ये क्या है मेरे को गिफ्ट ला के दिया भाई पिलर यार फैमिली का पिलर भाई का पिलर सपोर्ट सिस्टम भाई बहन भाई ने तो धूम में फाड़ दी भाई धूम में फाड़े हैं ओ दे वो दे ओ इसको देखो यार बाजी गोलू मेरा बच्चा ब्राउनी मेरा बच्चा तू मम्मी देख कितना खुश हो रहा है चल केक काट ले यार ये खा ले मैं सुबह से कुछ क्या अजर तुझे भी खिलाते पर तेरे दांत ही नहीं है अच्छा को ये वाला केक खिलाना है अच्छा तुम मन नहीं हुई अभी खाने का वैसे खा ले बहुत नहीं अभी एक मिनट बाद चल खिला दे बहुत अरे उससे खाएगा इसको खिला दे कौन है भाई ये दोनों सारे देखो ब्लैक ब्लैक बने हुए हैं अभी ढाई महीने बाद सब कुछ खा लेगा ये हाँ तू सिर्फ ये देख सकता है खा नहीं सकता सॉरी तेरी मम्मी इसको दूध में मिक्स करके जरूर दे सकती है पापा खाएंगे इसके पापा खाएंगे पापा वो देख पापा खा रहे हैं तेरे हिस्से पे चलो काटो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू फॉर क्राइंग आउट द किंग हैप्पी होमकमिंग हैप्पी होमकमिंग मेरे भाई वापस आए भाई का पुनर्जन्म हुआ है रिहैब से वापस आया मेरा भाई एक ऐसे रिहैब से वापस आया हूँ जहाँ पर 60 दिन कोई फोन नहीं था कोई कुछ करने को टीवी नहीं था भाई बहन नहीं थे घर वाले नहीं थे मम्मी पापा नहीं थे सीधा बोल जिंदगी झंड थी दाल फिर भी गवर्नमेंट दाल चावल खाने पड़ रहा था राजमा तक नहीं थे जी लॉकी मैं तो जेन्युइन देख रहा था राजमा चावल से पहले राजमा चावल कुछ होते हैं देख रहे बेटा इजीली कहते हैं कभी बिग बॉस हाउस में मत जाओ वो कह रहे मम्मी सुनो चलो निकलो टिल्लू कह रहा मुझे बिग बॉस हाउस जाना है टिल्लू कह रहा है सारे चलो ये आज ये द मलन फैमिली एंड द बिग बॉस किंग एंड आवर वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स ब्रदर थैंक यू लिखा भी हुआ है फुकर द किंग आई सबने बहुत मेहनत करी दोस्तों ने तो बहुत ही ज्यादा करी यार बिल्कुल अशरफ भी खाएगा नहीं ये फोल्ड क्यों हो रहा है वो शायद उसको भी केक चाहिए सब क्या कर रहे हैं तो कुदरे क्या बात है यार बहुत टेस्टी है केक ये हां यार वाला भी खोल लिया चीज बेरी बहुत यम है भाई सबसे पहले टिल्लू के मुंह लगा दे और फोड़ दे मूज भी तो खाओ ये भी तो काट लो यार बहुत बहुत बधाई हो भैया अशर तू मेरे लिए वेट्स है वेट्स वेट वेट ठंडा केक खा लेते ये बहुत टेस्टी है ठंडा है वो भी बहुत ये बहुत टेस्टी है यार मेरा फेवरेट चॉकलेट तेरी मम्मी बिग बॉस जा रही है सुन ले वो क्या कह रहे हैं मिलती है अच्छा तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हो स्कूल फ्रेंड्स है जो अभिषेक के लिए लेकर आए हैं मेरे को लग रहा है ऐसा कोई वो होगा फ्रेम बिग बॉस वाला One eternity later. Hashtag Abhishek इतने बॉस भी लिखा हुआ उस पे. जो बंदा बना रहा था जिसने कमांड दिया कट आउट करा वो देखता है बिग बॉस मैंने उसको पूछा मैं कहा किसको वोट करा अभिषेक भाई को जो मैंने पूछा नहीं उसने खुद ही बोल दिया कह रहा वैसे जीतना ना भैया उसी को चाहिए था अभिषेक को क्यों किस जो भी मैं बना नहीं रहा इसमें कुछ भी अरे जो भी कहे ना मतलब जिसने तरीके से खेला हो गेम को गेम की तरह सही से करा हो वो वही था
दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना